हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ओवल शेप डोरमैट कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने इस डोरमैट के पैटर्न को आसान रखा है जिससे कि नए क्रोशे सीखने वाले इसे बना सकें। हम इस डोरमैट को यदि बड़ा बनाते हैं तो आसन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो रंगों में 4 प्लाई की मोटी ऊन ली है। हम 2 या 3 प्लाई की ऊन भी ले सकते हैं। क्रोशे का 8 mm का हुक लिया है और कैंची ली है, तो आइए शुरू करते हैं। डोरमैट के लिए सबसे पहले हम पर्पल ऊन से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 11 चेन बनाएंगे। 1, 2, 11। हमारा पैटर्न 8 चेन का है, लेकिन हमने यहाँ पर 11 चेन पहले डबल क्रोशे के लिए बनाई है। अब हम हुक से 4th चेन में पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1, 2, 3 और ये 4। इस 4th चेन में हम पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1 डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम इसी चेन में 2 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1 और ये 2। तो अब यहाँ पर ये इस 8 की चेन में हमने ये जो 8वीं चेन है इसमें ये इस तरफ 3 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम हर स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1 और अब इस ये जो पहली चेन है इसमें हम टोटल 6 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ओवल शेप बनाना है, तो ये 1, ये 2, ये इसी पहली चेन में 6 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1, 2, 3। अब यहाँ पर फिर से हम 3 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 4, 5 और ये 6। तो हमने यहाँ पर इस पहली चेन में ओवल शेप के लिए 6 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम ये इस दूसरी तरफ हर स्टिच में 1-1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1 और ये जो हमारी 8वीं चेन है हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाए थे, तो अब हम इसी चेन में 3 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब हम ये जो पहली स्टिच है इसे और इस आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो अब यहाँ पर इस पहले राउंड में हमने ये जो पहली और 8वीं चेन है इसमें हमने 6-6 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं, और बीच के 6 स्टिचेस में हमने 1-1 डबल क्रोशे स्टिच बनाया है, और इसी तरह से हमारा ये ओवल शेप आ गया है। दूसरे राउंड के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ पर इस दूसरे राउंड में ये जो हमने पहली और 8वीं चेन में 6-6 डबल क्रोशे स्टिच बनाए थे हम इन्हीं स्टिचेस में हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो अब ये पहली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 हमने बना लिया है और ये दूसरा हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम इसकी अगली स्टिच में भी 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2। ओवल शेप में हम हमेशा कॉर्नर्स में ही स्टिचेस बढ़ाते हैं, और ये बीच में हम हमेशा 1-1 डबल क्रोशे स्टिच ही बनाते हैं जिससे कि हमारे ओवल शेप में झोल नहीं आता है। अब हम
इसकी ये जो अगली स्टिच है इसमें भी दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक और ये दो। अब इसके बाद हम अगली छह स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक अब यहां पर फिर से हम स्टिचेस को बढ़ाएंगे, तो हर स्टिच में हम दो दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक और ये इसी स्टिच में दो। इसके बाद अब हम ये अगली छह स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक अब हम ये जो अगली तीन स्टिचेस हैं इनमें हम दो दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ ओवल शेप के लिए बढ़ाना है, तो अब ये एक और ये इसी स्टिच में दो। अब फिर से ये अगली स्टिच में एक और ये दो, फिर से इसकी अगली स्टिच में एक और ये दो। तो अब हमने यहां पर इस दूसरे राउंड में ये इस तरफ टोटल हमने छह डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं और हमने इस तरफ भी छह डबल क्रोशे स्टिच बनाए, यानी कि टोटल 12 डबल क्रोशे स्टिच हमने इस दूसरे राउंड में बना लिए हैं। अब हम ये पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे ये इस तरह से, तो ये हमारा ओवल शेप बन गया है। तीसरे राउंड के लिए हम धागा बदलेंगे, तो यहाँ पर अब मैं पीले धागे को जोड़ लेती हूँ। तीसरे राउंड के लिए मैंने यहाँ पर पीले धागे को जोड़ लिया है। अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ इस तीसरे राउंड में ये इन कॉर्नर्स में हम पहली स्टिच में दो डबल क्रोशे और दूसरी स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हमें इस ओवल शेप डोरमैट में कॉर्नर्स में ही स्टिचेस को बढ़ाना है। तो ये पहली स्टिच में हमने दो डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम इसकी जो अगली स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से। अब हमने यहां पर ये इस ओवल शेप के इस तरफ तीन स्टिचेस बढ़ा लिए हैं, ये एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। अब हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमने ये छह डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब इसके बाद इस ओवल शेप के कॉर्नर में हम फिर से स्टिचेस बढ़ाएंगे, तो अब हम यहां पर सबसे पहले ये दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, और ये फिर से एक डबल क्रोशे। तो अब यहां इस ओवल शेप के कॉर्नर में हमने छह डबल क्रोशे स्टिच ज्यादा बनाए हैं, तो ये एक यहां पर, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे और ये छठवा यहां पे। तो इस कॉर्नर में हमने स्टिचेस को बढ़ाया है। अब इसके बाद हम ये जो अगली छह स्टिचेस हैं इनमें एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक। इसके बाद ये कॉर्नर में ओवल शेप के लिए हम स्टिचेस बढ़ाएंगे, तो अब हम यहां पर ये जो स्टिच है इसमें दो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक और ये दो। अब हम फिर से इसकी अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे,
फिर से दो। हम एक दो या दो एक के पैटर्न में भी स्टिचेस को बढ़ा सकते हैं। अब फिर से एक डबल क्रोशे, तो यहां पर ये दो एक दो एक, अब फिर से दो, और ये इस आखिरी स्टिच में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम ये जो पहली स्टिच है इसे और इस आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा तीसरा राउंड पूरा हो गया है। इस तीसरे राउंड में भी हमने ये इन कॉर्नर्स में ओवल शेप के लिए स्टिचेस बढ़ाए हैं। यहाँ इस कॉर्नर में हमने 6 स्टिचेस बढ़ाए हैं और इस कॉर्नर में भी हमने 6 स्टिचेस बढ़ाए हैं और कहीं पर भी झोल नहीं है। चौथे राउंड में सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ इस चौथे राउंड में हम पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे और दूसरी और तीसरी स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच इस पैटर्न को बनाएंगे। तो अब ये दूसरी स्टिच में 1 डबल क्रोशे स्टिच बन गया और ये तीसरी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे। तो यहाँ पर ये 2, 1, 1, हम इस पैटर्न को इस तरफ टोटल 3 बार बनाएंगे। एक बार ये हमने बना लिया है, अब हम ये जो 6 स्टिचेस हैं इनमें इसी पैटर्न को 2 बार बना लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसे 3 बार बना लिया है। अब इसके बाद हम अगली 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1। अब इसके बाद हम फिर से इस 2, 1, 1 के पैटर्न को 6 बार बनाएंगे, यानी यहाँ पर ये 3 बार और यहाँ पर भी 3 बार। यहाँ पर अब हमने 2, 1, 1 के पैटर्न को 6 बार बना लिया है। ये सबसे पहले हमने 2, 1, 1 को 2, 1, 1, 2, 1, 1, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार और ये छठवी बार। अब इसके बाद हम 6 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे। अब हम यहाँ पर भी 3 बार 2, 1, 1 के पैटर्न को बनाएंगे। अब हम ये जो पहली स्टिच है और आखिरी स्टिच है इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा चौथा राउंड भी पूरा हो गया है। पांचवे राउंड में सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ इस पांचवे राउंड में हम पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और दूसरी, तीसरी और चौथी स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर पहली स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम दूसरी स्टिच में 1, तीसरी स्टिच में 1 और चौथी स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। इसके पहले के राउंड में हमने पहली स्टिच में 2 और दूसरी और तीसरी स्टिच में 1, 1 इस पैटर्न को बनाया था। अब यहाँ इस पांचवे राउंड में हम 2, 1, 1, 1 इस पैटर्न को बनाएंगे। ये आखिरी बार फिर से 2, 1, 1 और ये 1। और अब हम ये पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो अब ये हमारा पांचवा राउंड भी पूरा हो गया है और कहीं पर भी झोल नहीं आया है। छठवें राउंड के लिए मैंने यहाँ पर पर्पल धागे को जोड़ लिया है। इससे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ पर इस छठवें राउंड में हम पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इसके बाद की 4 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने 2, 1, 1, 1 पैटर्न को बनाया था। अब यहाँ इस छठवें राउंड में हम 2, 1, 1, 1 और 1 इस पैटर्न को बनाएंगे। तो अब ये तीसरा डबल क्रोशे भी बन गया है और ये चौथा डबल क्रोशे, ये इस तरह से। छठवें राउंड में हम
इस पैटर्न को ये इस साइड में हम 6 बार बनाएंगे और इस साइड में भी हम 6 बार बनाएंगे और बीच में हम ये 6 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरफ भी बनाएंगे और ये इस तरफ भी बनाएंगे। तो अब मैं इसी तरह से ये छठवां और इसके बाद का सातवां राउंड बना लेती हूँ। सातवें राउंड में हम 2, 1, 1, 1, 1 और 1 यानी कि 2 डबल क्रोशे पहले स्टिच में और उसके बाद के 5 स्टिचेस में 1-1 डबल क्रोशे इस पैटर्न को बनाएंगे। तो अब मैं इस तरह से इस छठवें राउंड को और सातवें राउंड दो राउंड्स को पूरा कर लेती हूँ। मैंने छठवां और सातवां ये दोनों राउंड्स पूरे कर लिए हैं। अब हम आठवें राउंड में पीले धागे से बॉर्डर बनाएंगे। तो इस बॉर्डर के लिए अब मैं पीले धागे को जोड़ लेती हूँ। मैंने बॉर्डर के लिए पीले धागे को जोड़ लिया है। सातवें राउंड में हमने 96 यानी कि 96 स्टिचेस बनाए थे और हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन 4 और 4 के मल्टीपल्स का है, तो यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम इसी पहली स्टिच में 2 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2 और ये पहले का मिलाकर 3 डबल क्रोशे स्टिच इस पहली स्टिच में बन गए हैं। अब इसके बाद हम ये 2 स्टिच छोड़ देंगे और इसकी अगली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, ये इस तरह से। तो ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया। तो अब मैं इसी तरह से इस डिजाइन को इस पूरे राउंड में बना लेती हूँ। मैंने बॉर्डर का डिजाइन पूरे राउंड में बना लिया है और बचे हुए धागों को पीछे की तरफ सिल लिया है। हमारा ओवल शेप डोरमैट तैयार है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।